हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है थिंक अबाउट प्लांट पर। मैं हूँ छाया। मेरा गार्डन इस समय फूलों से भरा हुआ है। बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है इस समय भी, तो गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं ब्लूम हुए हैं पर्सलिन और मॉस रोज में। आज का वीडियो इन फ्लावर्स पर नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल से बने हुए कंटेनर को शेयर करूँगी जिनमें आप प्लांट लगा सकते हैं। हमारे और आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेस्ट पड़ी होती हैं, उनका यूज़ करके आप अपने गार्डन को हरा भरा कर सकते हैं, उनमें प्लांट लगा सकते हैं। तो ऐसे ही कंटेनर को मैंने यूज़ किया है अपने गार्डन में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इस लिस्ट में पहला जो कंटेनर है वो है मशरूम का बॉक्स, जिसमें मशरूम पैक होकर आता है मार्केट से। इसको मैंने एज अ प्लांटर यूज़ किया है और इस प्लांटर में मैंने बहुत ही पुराना पीपल का प्लांट लगाया है जो एज अ बोनसाई कन्वर्ट हो गया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड प्लांटर है मटका। ये छोटा सा मटका है और इसमें मैंने पेंसिल कैक्टस लगाया हुआ है और ये अच्छे से ग्रो कर रहा है इस कंटेनर में। तो अगर आपके घर में मटके वेस्ट पड़े हुए हैं तो उनको एज अ प्लांटर आप यूज़ कर सकते हैं, उसे डेकोरेट कर सकते हैं अच्छे से पेंट करके। और नेक्स्ट भी ये मटका ही है जो दिवाली में खिलौने आते हैं, वही मटका है और इसमें मैंने कैक्टस लगाया हुआ है जो अच्छे से और हेल्दी ग्रो कर रहा है। बस आप ध्यान रखें कि मटके में ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट प्लांटर है बटर प्लांटर। इसे मैंने वेस्ट बोतल से तैयार किया हुआ है और इसमें मॉस रोज बहुत ही अच्छे से ब्लूम कर रहा है। वेस्ट प्लास्टिक बोतल तो हर किसी के घर में ही मिल जाती हैं और वो सबसे बड़ी जो है वेस्ट मटेरियल माना जाता है, हर घर से निकलता है। तो आप उसे एज अ प्लांटर यूज़ कर सकते हैं और उससे गार्डन की शोभा बढ़ाने के साथ साथ आप नेचर की भी हेल्प कर सकते हैं। ये प्लांटर देखने में काफ़ी खूबसूरत भी दिखते हैं अगर आप इसे इस तरह से वॉल पर हैंग कर रहे हैं, और इसमें प्लांट भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। मैंने अलग अलग बॉटल प्लांटर में अलग अलग तरह के प्लांट लगाए हैं, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। बॉटल को आप कलर करके इसमें कोई भी अच्छा सा पैटर्न बनाकर उसे डेकोरेट कर सकते हैं और उसे एज अ प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जिस भी कंटेनर में प्लांट लगा रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर बनाइए ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेनेज होल के थ्रू निकल जाए और प्लांट हेल्दी ग्रो करे और प्लांट गले नहीं। क्योंकि ऐसे बॉटल प्लांटर में प्लांट लगाने पर लोगों को यही शिकायत रहती है कि प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांटर में पानी देने के लिए आप मिट्टी को ज़रूर चेक कर लें, अगर मिट्टी सूख गई है तभी इसमें वाटरिंग करें, ज़्यादा वाटरिंग ना करें। और इस लिस्ट में नेक्स्ट प्लांटर है मेरे ऑयल के कंटेनर। काफ़ी पुराना हो गया है तो इसलिए इसमें जंग लग गई है, तो मैंने इसे बहुत पहले तैयार किया था, 3 साल शायद हो गए और इसमें तब से ये पर्सलिन लगा हुआ है और ये भर भर के इसी में ब्लूमिंग करता है। तो ये काफ़ी सालों से मेरे पास लगा हुआ है और छत पर रखा हुआ है टेरेस पर, तो इसलिए इसमें जंग लग गई है। तो आप इस तरह के ऑयल कंटेनर को भी एज अ प्लांटर यूज़ कर सकते हैं और इसमें प्लांट भी अच्छे से ग्रो करता है। तो आप देख ही रहे हैं कितनी ढेरों ब्लूमिंग किया हुआ है इसमें। और इसके साथ ही ये एक और ऑयल कंटेनर है, इसमें मैंने पेंट किया हुआ था तो ये छूट गया है बारिश में, क्योंकि ये बहुत ही पुराने कंटेनर हैं और इसमें लेकिन प्लांट अभी भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। कंटेनर पुराने हो गए हैं, पेंट छूट गया है, लेकिन प्लांट अभी भी अच्छे से ग्रो कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो आप इस तरह से ऑयल कंटेनर का यूज़ एज अ प्लांटर कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये जो हैं बड़े बड़े कंटेनर हैं, ये लोहे के टब हैं जो घर जब बनता है उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये मेरे पास पड़े हुए थे तो इनको भी मैंने एज अ प्लांटर यूज़ किया हुआ है। इसमें मैंने सर्दियों में सरसों उगाई थी तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ था और मैंने इसकी सब्ज़ी भी बनाई थी, और इस समय मैंने इसमें पर्सलिन लगाया हुआ है। और ये है छोटा सा एक और मटका और इसमें मैंने रेन लिली लगाई है और ये अच्छे से ग्रो कर रही है, और इसमें इस बार तो फ्लावरिंग भी हुई थी, काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी। और मेरा नेक्स्ट प्लांटर DIY प्लांटर है, इसे भी मैंने कपाड़ से जुगाड़ किया है, प्लास्टिक बॉटल से बनाया है। और इस प्लांटर में मैंने पर्सलिन लगाया है और पर्सलिन इसमें अच्छे से ब्लूम कर रहा है, देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी इन प्लांटर से आइडिया लेकर जो है किसी भी वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके आप जो है
अपने गार्डन को डेकोरेट करिए, क्योंकि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और आपकी क्रिएटिविटी भी झलकती है आपके गार्डन में। तो आप खुद से जब क्रिएट करेंगे तो आपका गार्डन और भी खूबसूरत लगेगा। इस तरह की छोटी छोटी बॉटल्स का यूज़ करके आप जो है गार्डन को डेकोरेट कीजिए, उसमें सुंदर सुंदर प्लांट लगाइए, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसे बचाए गए पैसों का यूज़ आप जो है न्यू प्लांट लेने में कर सकते हैं और अपने गार्डन में अधिक से अधिक प्लांट ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और मेरे आइडियाज़ पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।